महंगाई को लेकर के क्या कह रहे हैं आप? नहीं, महंगाई तो होती रहती है, हर सरकार में होगी, गुंडागर्दी भी हर सरकार में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है सब रुक जाएगा, क्योंकि समय है, चल रहा है। जैसी जनसंख्या कुछ महंगाई नहीं है इस समय, आदमी का काम राज और रोजगार इतना बढ़ रहा है, इसे देख के कोई महंगाई नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक, मैं हूं संतोष पांडे। इस समय मैं हूं उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर तहसील में और घाट है ब्रिज घाट। यहां पर जरा जानते हैं कि किस सरकार का माहौल है, किसने काम किया है और किसकी वापसी हो रही है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घाटों की बात लगातार हो रही है, चाहे बनारस हो, अयोध्या हो, या अब हम बात कर रहे हैं गढ़ मुक्तेश्वर की। आइए जानते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो लगातार यहीं रहते हैं, इनका यहाँ से व्यवसाय भी चलता है, इनसे जरा समझते हैं कितना बदलाव आया है इस सरकार से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज निषाद। क्या लग रहा है आपको कि घाट बदला है कि अभी बदलाव जरूरत है? नहीं, घाट पे तो बहुत काम हो चुका है, लेकिन कुछ समस्या है घाट की। हाँ, जैसे कि कोई श्रद्धालु आते हैं ना, हम्म, और जो यहाँ पर लोगों के गोताखोर हैं, उन्हें कुछ लाभ नहीं मिल रहा गवर्नमेंट से। क्या लाभ चाहिए आपको गोताखोरों को? कम से कम इतना लाभ हो जाए, जैसे कोई भेज जाता है, डूब जाता है, एक दो आदमी सरकारी एग्जाम में, तो अच्छी बात है। हाँ, जो श्रद्धालु आने वाला है उससे बेचारे को फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर जो कोई डूब जाता है, कोई लोकल का आदमी अपनी मजदूरी तो मंगाएगा। सपा सरकार ने क्या काम किया था जो सपा सरकार ने यहाँ कोई काम नहीं करा है, जो करा है बीजेपी ने ही करा है। हाँ, और जब से हमारे संजय निषाद आए हैं, हाँ, हम पूरे केवट समाज जो है हम बीजेपी के तरफ से ही आएंगे। महंगाई को लेकर के क्या कह रहे हैं आप? नहीं, महंगाई तो होती रहती है, हर सरकार में होगी, गुंडागर्दी भी हर सरकार में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है सब रुक जाएगा, क्योंकि समय है, चल रहा है, ड्रामा चल ही रहा है। तो नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, कानून व्यवस्था सही है, कुछ जगह ऐसे भी गलत हो रही है, काम बदतमीज होकर देती है पुलिस भी, कोर्ट सरकार भी करे हो जाती है कभी कभी, लेकिन महंगाई कोई समस्या ना, महंगाई तो कितनी भी होती रहो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मोदी जी के समय में महंगाई बढ़ रही है, तब भी मोदी जी बढ़िया है, काम भी तो कर रहे हैं ना मोदी जी। अच्छा, इतने पुल बना रहे हैं, इतना पैसा गवर्नमेंट लगा रही है। एक और साथी है, उनसे भी बात करते हैं। महंगाई के साथ साथ आदमी का रोजगार भी बढ़ रहा है, अगर कोई महंगाई है तो इसमें क्या महंगाई है? हम पहले 100 कमाते थे, आज 200 कमा रहे हैं, अगर हम हमारे 100 रुपए महंग मजदूरी भी तो महंगी हो गई, इसमें कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। हाँ, और महंगाई भी होगी तो हम योगी जी के साथ मोदी जी के साथ हैं। महंगाई के बाद भी कहा जा रहा है कि सिलेंडर बहुत बढ़ गया है। सिलेंडर कितना भी महंगा हो कोई भी दिक्कत नहीं है, जब जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो ये तो महंगा हो गई अपना। कौन सी ऐसी बात है जो आपको योगी की बहुत अच्छी लगती है? जनसंख्या रोको, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो हर चीज महंगाई होगी। नहीं नहीं, कौन सी ऐसी बात है जो आपको, सरकार थोड़ी महंगाई कर रही है, योगी की कौन सी ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है योगी सरकार की? योगी जी हमारा देश इतना मजबूत कर दिया, हमारी सेना इतनी मजबूत कर दी, आज उनके बलबूते पे हम लोग टांग फैला कर आराम से सोते हैं, हमारी सेना आज इतनी ताकतवर बनाई है। हाँ, तो हमें हमारा देश वहाँ पहुँचा दिया, जहाँ कहाँ पर पहुंचा हुआ था, खड्डे में, अपना आसमान पे हमारा देश पहुंचा दिया मोदी जी, योगी जी ने। अच्छा, इसके पहले योगी मोदी से पहले आप लोगों का रुझान दूसरी सरकारों के प्रति रहता रहा? हम हमेशा बीजेपी के रहे हैं। हाँ, पहले से भी बीजेपी के रहे हैं और अब भी बीजेपी के हैं हम। हाँ, तो महंगाई कोई बहुत ज्यादा इशू? जनसंख्या कुछ महंगाई नहीं है इस समय, आदमी का काम राज और रोजगार इतना बढ़ रहा है, इसे देख के कोई महंगाई नहीं है। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक निषाद है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? और मैं एक नाविक हूँ जो अपनी रोजी रोटी यहाँ गंगा जी किनारे हैं चलाता हूँ। हाँ, और जो भी श्रद्धालु आते हैं उसे अपनी बोटिंग कराता हूँ। हाँ, और जो बीजेपी की जो सरकार है, हम बीजेपी से पूरे गठबंधन है। हाँ जी, और हम आगे को भी अगर हमने बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं तो संजय निषाद की वजह से आप लोग बीजेपी की तरफ हैं कि बीजेपी के काम की वजह से बीजेपी की तरफ है? नहीं, हम तो बीजेपी के ही, मगर जो निषाद जी पार्टी बननी है उसके भी साथ खड़े होंगे। और ये बताइए, जैसे जो और सरकारें काम करके गई हैं उनका कितना अंतर रहा है, ये सरकार जब से आई है इसमें कितना बदलाव आया है? नहीं तो आपके जीवन यापन भी बताया जा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई तो इस कदर बढ़ रही है कि जैसे पेट्रोल के दाम हुए, खाने पीने के कदर हुए, वो सब तरीके के। ये एक और साथी आ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जरा समझते हैं कि सरकारों ने वाकई में कितना काम किया है। हाँ, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रिशपल निषाद जी। क्या कह रहे हैं सरकार, अभी आप जस्ट नाव लेके आ रहे हैं जी, जी। सरकार, इस सरकार ने काम किया है कि या बस बयानबाजियां ही हो रही हैं? नहीं नहीं, सरकार ने काम किया है जी। ये सरकार काम कर रही है जी सर। तो बेहतर क्या किया, दो तीन काम अगर गिनाना हो तो आपको क्या गिना पाएंगे? बेहतर क्या, ये हमारे यहाँ पे घाट अच्छा बना दिया, काफी लंबा घाट कर दिया है, पहले घाट छोटा था, हाँ अब घाट लंबा हो गया पक्का। ये योगी सरकार की वजह से बना है जी सर। तो इसकी क्या लग रहा है आपको कि इससे दर्शक ज्यादा आ रहे होंगे, पर्यटक जी, जी श्रद्धालु जी, श्रद्धालु आने वाले श्रद्धालु बहुत ज्यादा आ रहे हैं आप लोग। इसे स्थिति सुधरी है जी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर अखिलेश यादव कह रहे थे कि सरकार ने बस केवल कह रहे हैं कि आप योगी सरकार ने किया, अखिलेश कह रहे हैं कि लगातार हमारे कामों पर भाजपा जो है अपने काम को गिना रही है, तो इस घाट के बारे में क्या कहना है आपका? नहीं घाट के बारे में क्या, योगी सरकार के बारे में बताइए मतलब कुछ। हाँ अच्छा, मतलब घाट का जो विकास हो रहा है वो योगी सरकार की वजह से ही हो रहा है जी। तो हमने आपको बताया गढ़मुक्तेश्वर घाट पर, ब्रिज घाट पर हम हैं और यहाँ पर हमारे कुछ नाविकों से बात हुई है जो यहाँ पर रहते हैं। इन्होंने कहा है कि योगी सरकार ने काम अच्छा किया है। कुछ लोग संजय निषाद की वजह से भी भाजपा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सरकार के काम की वजह से भी लोगों का झुकाव बढ़ा है। आप देख रहे हैं पोल टॉक, लगातार बीट पार्टी से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।